और अब बात शिवराज के चुनावी लॉलीपॉप की। 15 सालों में कोई व्यवस्था नहीं बनी तो अब शिवराज चुनावी रिश्वत देकर सत्ता चाहते हैं। अब शिवराज चुनाव से पहले नौकरियों की बारिश करने जा रहे हैं। फिलहाल सरकार 6 विभागों में 90,000 से ज्यादा भर्तियों की तैयारी में है। बड़ा सवाल बनता है कि चुनाव से एन पहले नौकरियों का लॉलीपॉप क्या शिवराज को चुनाव जिता पाएगा? मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले नौकरियां बरसेंगी, 6 विभागों में भरे जाएंगे 90,000 पद, नौकरियों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश। क्या नौकरियां देने से होगा शिवराज का बेड़ा पार? शिवराज सरकार चुनाव से ठीक पहले 6 विभागों में करीब 90,000 भर्तियां करने की तैयारी कर रही है। किसानों की नाराजगी के बाद प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। शिवराज इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तभी तो चुनाव से पहले युवाओं को नौकरियों का लॉलीपॉप देने की तैयारी की जा रही है। 6 विभागों में करीब 90,650 पदों पर भर्तियां होंगी, जिसकी विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा 31,645 स्कूल शिक्षकों की भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग में की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग में फिलहाल 60,000 पद रिक्त हैं। सरकार जल्दी में है, तभी तो उसने संबंधित विभागों को कह दिया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रक्रिया को शुरू करना सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार सरकारी नौकरियों से इतर निजी क्षेत्र में भी स्किल्ड मैन पावर देने के लिए बड़ी कंपनियों से अनुबंध करने जा रही है। कांग्रेस इसको शिवराज का चुनावी लॉलीपॉप बता रही है, वहीं बीजेपी इसे शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी छवि से जोड़ रही है। मध्य प्रदेश में लगातार नो इन्वेस्टर मीट करने के बावजूद प्रदेश में युवा बेरोजगार घूम रहा है। प्रदेश के हालात खराब हैं, हर तरफ बच्चा मध्य प्रदेश से पढ़ने के बाद पलायन कर रहा है। ऐसे में अब चुनावी वर्ष में कुछ नौकरियां निकाल कर शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं और वे पुनः भ्रम के वातावरण में चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनका प्रयास इस बार सफल नहीं होगा। युवा जानता है कि सिर्फ चुनावी जुमलों के रूप में ये नौकरियों की बात है, बाकी धरातल पे है कुछ नहीं। आप जानते हैं कि उसमें विज्ञापनों की शुरुआत हो चुकी है 32,000 नौकरियों के बारे में, तो सरकार आगे बढ़ चुकी है, बाकी में भी जल्दी आगे बढ़ेगी और पहले से भी हम लोग कई नौकरियों की, चाहे पटवारी की बात करें चाहे SI की बात करें, उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं। युवा इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ में हमारा रोजगार निर्माण बोर्ड जो है वो लगातार रोजगार कार्यालयों को समृद्ध कर सशक्त करके कई लाखों नौकरियां वो भी प्राइवेट सेक्टर में दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसमें सफल हो रहा है। शिवराज सरकार चुनाव जीतने के मकसद से ही युवाओं को रोजगार के अवसर देने की तैयारी में है। राजनीतिक पंडित इसे युवा वोटर्स को लुभाने की सरकार की रणनीति का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वो इसे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका भी बता रहे हैं। चुनावी साल है, चुनावी साल में झुंझुनू देने का सिलसिला शुरू होता है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। 200 रुपए बिजली देने की बात हो, चाहे 80,000 नौकरी देने की बात हो, भैया हम ये विचार कर सकते हैं कि इससे पहले भी नौकरी दी जा सकती थी, दी जाना चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी दी जाती है नौकरी हमेशा लाभप्रद रहती है। मध्य प्रदेश का जो बेरोजगार युवक है या अन्य जो इसमें तकनीकी दृष्टि से सक्षम है वो लोग यदि रोजगार पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और ये सराहनीय प्रयास है, जिसका राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, उस व्यक्ति को भी लाभ मिलेगा जिस व्यक्ति को नौकरी प्राप्त हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग में 31,645 शिक्षकों की भर्ती के साथ ही राजस्व विभाग में 9,500 पटवारी, 400 नायब तहसीलदार और इसके साथ 100 और पद खाली हैं, 650 राजपत्रित अधिकारी और 1,000 वर्ग 3 और 4 के पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 1,300 डॉक्टर,
700 पैरामेडिकल स्टाफ, 1053 स्टाफ नर्स के साथ 500 शहरी क्षेत्रों में एएनएम की भर्ती होगी। पुलिस विभाग में 8000 आरक्षक और अन्य के साथ 4000 होमगार्ड्स की भर्ती होगी। महिला बाल विकास विभाग में 3300 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 700 पर्यवेक्षक भर्ती किए जाएंगे। सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर भर्ती जरूर करने जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता को इतनी समझ नहीं है कि सरकार चुनाव के एन पहले बंपर भर्ती क्यों कर रही है, और क्या इस बंपर भर्ती अभियान से शिवराज सरकार चुनावी वैतरणी पार कर पाएगी? अखिलेश सोलंकी, चैनल 1 न्यूज, भोपाल।